आजमगढ़ जिले के मंदूरी में स्थित आजमगढ़ एयरपोर्ट पर शनिवार को अचानक शॉर्ट सर्किट से एटीसी रूम में आग लग गई। आग लगने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर मौजूदा फायर सिस्टम से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड के दो मौके पर वाहन पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एयरपोर्ट निर्देशक ने बताया कि अभी नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च को मंदूरी में स्थित आजमगढ़ एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद यहां से 19 सीटर विमान की उड़ान शुरू हो गई। वर्तमान में यहां से सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को उड़ान हो रही है। शनिवार को अचानक एयरपोर्ट के एटीसी कंट्रोल रूम में, जिसमें सर्वर है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। एयरपोर्ट पर स्थित फायर सर्विस के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटने के साथ ही इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से दो अग्निशमन के वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट पर स्थित फायर सर्विस से यह सूचना मिली कि एटीसी टावर में आग लग गई है, जिसके बाद ब्रह्म स्थान से फायर ब्रिगेड के दो वाहन भेजे गए और मैं खुद मौके पर पहुंचा। पहली मंजिल, जिसमें सर्वर सिस्टम है, यहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। एयरपोर्ट पर स्थित फायर कर्मचारियों ने काफी मेहनत किया और आग को बुझा दिया गया। इस आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं एयरपोर्ट के निर्देशक मुकेश यादव ने कहा कि अभी आकलन नहीं किया जा रहा है कि कितने का और क्या क्या नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उड़ान गुरुवार और सोमवार को होती है, इसलिए अभी किसी प्रकार का अन्य कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। एयरपोर्ट आजमगढ़ फायर सर्विस द्वारा मुझे बताया गया कि एटीसी टावर में आग लगी है और वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके द्वारा शहर की फायर ब्रिगेड से भी हेल्प मांगी गई। तुरंत दो फायर टेंडर ब्रह्मस्थान फायर स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए रवाना किए गए। मैं स्वयं भी एयरपोर्ट पर आया, यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें सर्वर रूम था, सर्वर रूम में आग लगी है। मेन कॉज ऑफ इग्निशन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही है, ओवरलोड या किसी वजह से सर्वर रूम में आग लगी, जो कि थोड़ा ऊपर भी फैली। लेकिन एयरपोर्ट की टीम द्वारा, फायर सर्विस द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया और आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। इस आग में कोई जनहानि नहीं है। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।